किसान भाइयों को और विधायक नरेंद्र वर्मा जी को कि किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हित के लिए और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई अगर समाजवादी पार्टी को लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि अगर खेती बर्बाद हो जाएगी तो सवाल केवल आपका नहीं है, सवाल देश का है। हमारे किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आपकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका परिवार का पूरा जीवन यापन इसी से है। अगर समय पर भुगतान हो जाए, धान की कीमत सही मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। भविष्य में बहुत जल्दी हम आएंगे और अगर नरेंद्र वर्मा जी इस बीमारी और तकलीफ में बैठे हैं, मैं उनके हाथ को देख रहा हूँ, उनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, लगता है कोई बोतल चढ़ी होगी ग्लूकोज की या कोई दवाई चढ़ाई गई होगी। मैं उनसे कहूंगा कि अपना आराम भी करें। जो एमएसपी मूल्य है उसका 100% खरीदे। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, ये बता रहे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो भैया किसान क्या करे, बहुत बुरा हाल है। आपसे महमूदाबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश किसान चाहते हैं कि संघर्ष ही हमारे आपका रास्ता है। आपकी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। किसान आपके साथ है, नौजवान आपके साथ, छोटा व्यापारी आपके साथ। स्कूलों का निजीकरण हो रहा, बाबा जी ने बेच दिए, पॉलिटेक्निक आईटीआई जो आपने बनाए थे, स्कूल जो मेरे क्षेत्र में 5 अभी बने खड़े जो आपने बनाए थे चल नहीं रहे, 9 अस्पताल भैया आपने बनाए थे जो चल नहीं रहे, महिला चिकित्सालय चल गया, अर्बन चिकित्सालय चल गया, आपने 5 दुकानें चला दिया महमूदाबाद में, आपने पीजी कॉलेज चला दिया, आपने छात्रावास बना दिया, आपने पुल बना दिए, आपने 7 वो बनाए थे 132 केबिन, 1/33/11 आपने महिला अंडरग्राउंड केबलिंग किया, आपने पुल बनाए, लोहिया आवास लाए और आप लाए जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत आपने अहमदाबाद काम दिए और त्वरित विकास में आपने हमारे साथ बहुत पैसा दिया। आयुष पर स्मार्ट योजना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, वो काम भैया ये नहीं कर रहे। अधूरे काम पड़े, अधूरा गेट हमारा पड़ा, अधूरा छात्रावास पड़ा, अधूरा पुस्तकालय पड़ा, अधूरा वाटर एटीएम पड़ा, अधूरी बाउंड्री वॉल पड़ी है। लेकिन ये मासूमों की सरकार, ये धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रहे हैं, धर्म की अफीम इन्होंने खिला दी है। जनता आपको सुनना चाहती है और जनता और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटा व्यापारी चाहता है कि लड़ाई भैया आर पार, इन्हें जो करना हो कर ले। जैसे कल इन्होंने दिल्ली में, परसों दिल्ली में किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, ये आजाद भारत कभी नहीं हुआ। ठंडक में वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस चलाई गई, लाठियां चलाई गई और सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए गए, जीसीबी खड़ी कर दी गई, रोलर खड़े कर दिए गए और वो सीमेंट के कंक्रीट लगा दिए गए और वो कटीले तार लगा दिए गए। क्या हो रहा, आपकी सरकार, मुझे याद है कि कोई किसान अपनी बात करता था, कोई नौजवान अपनी बात करता था, शिक्षा मित्र आते थे, आंगनबाड़ी आते थे, आप डेलीगेशन बना करके हम लोगों को भेजते थे, आप खुद बुलाकर सुनते थे कि भैया बात सुन उनकी क्या। आपने सबके साथ न्याय किया लेकिन वर्तमान सरकार में बहुत अन्याय हो रहा है। अब आप उठाइए धनुष और निकलिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जनता आपका इंतजार कर रही है। धनुष और चक्र और गधा, तीनों चीजें। करेंगे कि महमूदाबाद किसानों को आप संबोधित करें और भैया यहाँ जो हमारा मांग पत्र है उसमें तीनों काले कानून वापस लिए जाए, कृषि संबंधी श्रमिक संशोधन कानून वापस लिया जाए, तहसील महमूदाबाद में तुरंत धान की चढ़ाई शुरू की जाए, जिन किसानों को टोकन नहीं देगा उनको टोकन तुरंत दिया जाए, किसानों पर झूठे मुकदमे जो लिखे गए वापस किए जाए, डीएपी एनपीके खाद के दाम बढ़ाए वापस लिए जाए, किसानों के लिए बिजली खाद डीजल के दाम कम किए जाए, कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जाए, आवारा जानवरों से हो रहे फसलों के नुकसान को मुआवजा दें, जिन किसानों की ट्राली धान सेंटर पर फंसी खड़ी है उन किसानों की गन्ना की पर्ची आ गई है तो उन पर्चियों को गन्ना की तौल दिनांक किसान के मांग के रूप दी जाए, नहरों को टेल तक पानी पहुंचाया जाए, बंद पड़े राजकीय नल, पराली जलाने के आरोप में प्रदेश के किसानों पर लिखे जा रहे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको जुर्माना से बचाया जाए, पराली को नष्ट करने के लिए सरकार मुआवजा दे, अनुदान दे। भैया आपका बहुत बहुत आभार,
भैया जब तक ये टोकन देंगे नहीं मैं यहाँ अमरनाथ बैठ जाऊंगा, मैं बीमार भी हूँ, टाइफाइड हूँ, बिल्कुल पड़ा हुआ है, हटूंगा नहीं जब तक ये टोकन नहीं देंगे, ना कोई किसान हटेगा। विधायक नरेंद्र वर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और जितनी भी मांगे आपने रखी हैं ये सभी मांगे किसान हित में हैं। खाद सस्ती हो जाए, डीएपी का पैसा बढ़ा हुआ वापस मिल जाए, डीजल पे बिजली पर सरकार सब्सिडी दे, जहाँ किसान की आय बढ़ाने की बात थी वहीं अभी धान की कीमत नहीं मिल रही और हमारे किसान का गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों से जुड़े हैं। मैं किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय की जानकारी में आप लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। आज न केवल हमारी बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों की आपने हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को और विधायक नरेंद्र वर्मा जी को कि किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हित के लिए और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई अगर समाजवादी पार्टी को लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि अगर खेती बर्बाद हो जाएगी तो सवाल केवल आपका नहीं है, सवाल देश का है। हमारे किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आपकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका परिवार का पूरा जीवन यापन इसी से है। अगर समय पर भुगतान हो जाए, धान की कीमत सही मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। भविष्य में बहुत जल्दी हम आएंगे और अगर नरेंद्र वर्मा जी इस बीमारी और तकलीफ में बैठे हैं, मैं उनके हाथ को देख रहा हूँ, उनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, लगता है कोई बोतल चढ़ी होगी ग्लूकोज की या कोई दवाई चढ़ाई गई होगी। मैं उनसे कहूँगा कि अपना आराम भी करें, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ से भी आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेताओं को भेजूंगा और ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं सभी अपने किसान भाइयों को। मैं प्रेस का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कुछ 20-25 मिनट